कंप्यूटर फंडामेंटल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आज का जो होगा मेमोरी क्लासिफिकेशन होगा, मतलब के प्रीवियस वीडियो में हमने तो ये तो समझ लिया था कि दो टाइप्स के बेसिक मेमोरीज आती है, फर्स्ट होती है वोलेटाइल और अनदर इज द नॉन वोलेटाइल, लेकिन और भी उसके कुछ टाइप्स आते हैं वो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे मैंने कुछ पूरा सा एक हायरार्की टाइप का चार्ट बना के रखा हुआ है कि बेसिकली कोई भी मेमोरी हो उसकी जो बेसिक जो टाइप्स आती है विच आर बीन यूज इन वेरियस काइंड ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेज और यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। फर्स्ट टाइप इज द प्राइमरी एंड अनदर टाइप इज एन सेकेंडरी। अब प्राइमरी जो टाइप होती है देट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मशीन, विदाउट दैट दे कैन नॉट परफॉर्म द टास्क सक्सेसफुली। कोई भी हम उसको इंस्ट्रक्शन बोलते हैं या फिर कोई भी उसको काम बोलते हैं, ये प्राइमरी मेमोरी के बिना वो जो कुछ भी उसका वर्कआउट होता है ना वो ठीक से वो कर पाएगा नहीं, इसलिए उसको प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है। अब जो सेकेंडरी मेमोरी होती है देट इज नॉट द कंपल्शन फॉर एनी कंप्यूटर डिवाइस, ठीक है। अब उसके वेरिएशंस भी आते हैं, उसमें स्पीड वेरिएशन भी आता है, साइज वेरिएशन आता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वापिस सेकेंडरी मेमोरी आता है। इट इज़ अप टू यू व्हाट टू यूज और नॉट व्हाट टू यूज, ठीक है। लेकिन जो प्राइमरी मेमोरी है इट इज़ मस्ट फॉर एन ईच एंड एवरी कंप्यूटर डिवाइस। अब प्राइमरी मेमोरी में बेसिकली टू टाइप्स आती है, रैम एंड द रोम। वो स्टेप बाय स्टेप आगे के स्लाइड्स में हम देखते रहेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया हुआ है कैश मेमोरी दिया है। अब ये कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी के बीच के कहीं आप बोल सकते हैं, ठीक है, बीच का कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने प्रीवियस स्लाइड में उसे नहीं बताया था। अब ये जो कैश मेमोरी है वो डायरेक्टली सीपीयू के साथ कनेक्शन करती है, ठीक है। सीपीयू जो कुछ भी वर्कआउट करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन या फिर डेटा को रीड आउट करता है, दैट ऑल आर बीन स्टोर्ड इन द कैश मेमोरी। तो आप बोलोगे तो भाई रैम का क्या काम है, अब वो डिटेल में हम ये यहाँ पे कुछ डिस्कस करते हैं। अब जो कुछ भी रैम की रीड राइट स्पीड होती है कंपेयर टू द प्रोसेसर वो काफ़ी कम होती है रैम की। हाँ, ये फैक्ट है कि रैम की जो रीड राइट स्पीड होती है, जिसे हम ऐसा भी ब्लॉक कह सकते हैं, क्लॉक स्पीड जो होती है, ठीक है, कंपेयर टू द एनी प्रोसेसर वो काफ़ी कम होती है। आपने सुना ही होगा कहीं ऐसा कुछ वर्ड्स आता है जो प्रोसेसर में कि 2.3 गीगाहर्ट्ज़, 2.4 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है, ऐसा कहीं आपने वर्ड सुना होगा। कहीं रैम में गीगाहर्ट्ज वाला वर्ड आपने सुना है? नहीं। उसमें क्या आता है? मेगाहर्ट्ज आता है, MB, GB, समझते हैं ना, मेगाहर्ट्ज। M मतलब के छोटा, G मतलब के कुछ बड़ा, ठीक है। तो वो जो डेटा ट्रांसफर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो रैम में काफ़ी कम होता है। अब कुछ भी आप वर्क कर रहे हो समझ लो, ठीक है, कोई भी कुछ वर्क कर रहे हो, अगर वो प्रोसेसर से, प्रोसेसर जो कुछ भी है हमारा सिस्टम का, वो अगर रैम से डेटा रीड कर रहा है, तो उसका जो डेटा ट्रांसफरिंग, मतलब कि कोई कुछ प्रोसेसर मांगता है भाई मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे दो जल्दी जल्दी, तो रैम के पास तो वो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं हुई ना, वो स्लो है, ठीक है। अब घर में कोई छोटा बच्चा होता है, उसके पास कुछ काम करवाते हैं, उसकी जो वर्किंग स्पीड होती है वो स्लो होती है, क्योंकि वो उस एबिलिटी का ही नहीं है वो छोटा बच्चा। अगर कोई बड़ा बंदा उसे काम करता है वो तो जल्दी ख़त्म कर पाएंगे ना, तो हमारा ओवरऑल टास्क क्या होगा? स्लो होगा, ठीक है, वो गुस्सा तो नहीं करेगा, ठीक है। हमने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में क्या बोला था? नो फीलिंग्स, मतलब कि कंप्यूटर किसी बंदे को अप एंड डाउन नहीं कंसिडर करता, भाई तुझे कुछ आता नहीं तो तू मेरे साथ वर्क मत कर, इससे सब आता है तो मैं इसके साथ वर्कआउट करूँगा, ऐसा तो कंप्यूटर में आता नहीं। तो अब जहाँ तक वो रैम उसकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगी, प्रोसेसर जो हमारा होगा आइडियल मोड में चलाएगा, मतलब कि उसके पास कुछ काम ही नहीं होगा, रैम वो इन्फॉर्मेशन सब प्रोसेसर को प्रोवाइड करेगा, बाद में वो प्रोसेसर आगे वर्कआउट करेगा। अब ये जो गैप रहता है उसको रिमूव करने के लिए बीच में आती है कैश मेमोरी। अब हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है कि जो नेक्स्ट इमीडिएट इन्फॉर्मेशन प्रोसेसर को रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम तो मालूम, ऑपरेटिंग सिस्टम को तो मालूम ही होगा कि प्रॉब्ली क्या काम चल रहा है, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वाया ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहे हैं, विंडोज़ हो या फिर मैकिंटोस हो या फिर लिनक्स का कोई भी फ्लेवर आप ले लो। जैसे कि अभी सबसे ज़्यादा जो चल रहा है वो उबंटू चल रहा है, ठीक है, एक नॉर्मल यूज़र के लिए। तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगी, जो सबसे इमीडिएट इन्फॉर्मेशन तो हम नहीं कह सकते, डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर को चाहिए वो रैम में से उठा के कैश मेमोरी में रख देगा। तो वो जो डेटा ट्रांसफर स्पीड होगी ना वो इमीडिएट हो जाएगी, क्योंकि रीड स्पीड जो होगी प्रोसेसर की उस मुताबिक वो कैश मेमोरी उसको डेटा को ट्रांसफ़र कर पाएगी।
अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा हैंडल करता है कि भाई कौन सी चीज़ रैम में रखनी है और कौन सी चीज़ कैश में रखनी है। जैसे ही वो इमीडिएट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं होगी वो तो क्या करेगा, कैश मेमोरी में से उठा के वो वापस रैम में रख देगा और नई इन्फॉर्मेशन रैम में से उठा के वो ऑपरेटिंग सिस्टम कैश मेमोरी में रख देगा। अब ये बार बार कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग सिस्टम को करना पड़ेगा। अब क्यों करना पड़ेगा वो यहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ है कि कैश मेमोरी इज फास्टर देन द मेन मेमोरी, मतलब कि हमारी रैम। सेकंडली इट कंज्यूम लेस एक्सेस टाइम कंपेयर टू मेन मेमोरी। जैसे कि मैंने कहा कि उसका जो डेटा ट्रांसफर स्पीड और डेटा एक्सेस स्पीड बोलो, डेटा राइट स्पीड बोलो, कंपेयर टू हमारी जो नॉर्मल रैम होती है उससे काफ़ी ज़्यादा होता है। द स्टोरेज इट स्टोर्स द प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि अभी नहीं तो कोई बात नहीं, इमीडिएट थोड़ी देर के बाद जो कुछ भी उसे जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी वो उसमें वो स्टोर करके रखेगा। अब ये जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन वापस जो स्टोर होगी वो कैसी होगी, टेम्पररी इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने कहा ना कि अभी चलो ये इंस्ट्रक्शन उसको एक रिक्वायर्ड नहीं है, अब ये डेटा उसको प्रोग्राम रिक्वायर्ड नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, कैश मेमोरी से उठा के वापस रैम में रख देगा और नई इन्फॉर्मेशन रैम में से उठा के वो कैश में रख देगा। डिसएडवांटेज जो मैंने कहा कहना चाहता था, लिमिटेड कैपेसिटी, मतलब कि यहाँ पे हम रैम अब कितनी देखते हैं आज की डेट में, किसी में भी देख लो आप 4GB इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। अब कैश मेमोरी कितनी आती है, 3MB ऑन एवरेज, 2MB। अब i7 का 10th जनरेशन का भी अगर आप प्रोसेसर देख लो तो उसका जो कुछ भी मदरबोर्ड डिज़ाइन किया जाता है या फिर प्रोसेसर जो उसका डिज़ाइन किया जाता है और मदरबोर्ड प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम सब मिला के आप कैश मेमोरी जो उसमें वो लोग प्रोवाइड करते हैं, प्रोसेसर की कैश मेमोरी होती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी देख पाओगे, 8MB या फिर 16MB, बस लिमिट आ गए। 16MB इज द मैक्सिमम लेवल। तो आपको कुछ भी सिस्टम प्रोवाइड करते टाइम ये भी देखना है, अगर कोई भी लैपटॉप परचेस कर रहे हो या फिर डेस्कटॉप रेडीमेड ब्रांडेड कंपनी का परचेस करो तो आप देखो उसमें कि भाई इसमें 2000 कम है, तो आप ये क्या देखते हैं, भाई ये भी i3 है वो भी i3 है, इसमें भी 4GB है इसमें भी 4GB है, ये भी 8th जनरेशन का प्रोसेसर है वो भी 8th जनरेशन का प्रोसेसर है, तो इसके 2000 कम है तो यही ले लो ना। नहीं, ऐसा नहीं है तो आप कैश मेमोरी देखो। बाद में प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रोसेसर का एक्सप्लेन किया था कि उसके नंबर्स ऑफ कोर देखो, उसमें एच टी मतलब के हाइपर थ्रेडिंग पॉसिबल है कि नहीं, मतलब कि वो वर्चुअली 2 कोर की जगह 4 कोर पे वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा, तो ये सब आप देखो, बाद में पूरी सिस्टम को आप परचेस करो। यहाँ पे लास्ट में लिखा है इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, मतलब के जो कॉस्टिंग होती है वो काफ़ी हाई होती है, अब इसे हम अपग्रेड नहीं कर सकते। इसमें यहाँ पे एक डिसएडवांटेज लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये अपग्रेडेबल नहीं है, मतलब कि मान लो कि आपको ऐसा लगे, कोई बोलता है सजेस्ट करता है कि भाई इसमें 4GB रैम है ना, तो आप इसमें 8GB रैम को दो, आपकी सिस्टम और स्मूथली एग्जीक्यूट होगी, आपका जो कुछ भी काम होगा आपको और स्मूथली दिखेगा कि अब बीच में जो बार बार जो मेरा CPU हैंग हो जाता है या फिर नॉट रिस्पॉन्डिंग मोड में चला जाता है, ऐसा 8GB रैम में नहीं होगा। तो कैश मेमोरी आप अपग्रेड नहीं कर सकते, रैम को आप अपग्रेड कर सकते हो। बाद में अगर हम आए प्राइमरी मेमोरी, मतलब के हमारा जो एक्चुअल रैम होता है वो रैम बोल सकते हैं, उसकी जो सब टू कैटेगरीज है वो क्या होती है, रैम एंड रोम दोनों प्राइमरी है, लेकिन हम लोगों को क्या लगता है कि भाई रैम है वो ही एक प्राइमरी मेमोरी है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमारा कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर में जो कुछ भी अभी एक्टिव टास्क हो, मतलब कि जितनी एप्लीकेशन हमारी ओपन होती है या फिर जितनी एप्लीकेशन हमारी अभी स्क्रीन पे दिख रही है उसकी जो कुछ भी डिटेल्स होती है, उसका जो कुछ भी डेटा होता है वही रैम में स्टोर किया जाता है। यहाँ पे रैम का लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ डेटा लॉस व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ, ये जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ रैम के लिए है, ठीक है, मतलब के जब भी हमारा पावर चला जाता है, ठीक है, तो उसका जो कुछ भी डेटा होता है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। हमें वो परमानेंटली डेटा अगर स्टोर करवाना है तो उसे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करवाना रहेगा। अब यहाँ पे साथ में रोम जस्ट एज अ कैटेगरी है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, क्योंकि बाद में अगर कन्फ्यूजन ना हो कि भाई प्राइमरी मेमोरी सिर्फ रैम ही है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है।
यहाँ पे उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे वो सेमीकंडक्टर मेमोरीज है, मतलब कि उसमें सिर्फ डिजिटल इंफॉर्मेशन ही स्टोर होती है। कंप्यूटर फंडामेंटल के आगे के कुछ वीडियोस में मैंने दो बनाए थे वीडियोस, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय डेटा प्रोसेस्ड एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, ऐसे कुछ दो वीडियो बनाए थे। तो डेटा प्रोसेस्ड मतलब क्या, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ऐसा कुछ उसमें दिया था। मतलब कि उसमें जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है स्टोर होगी इस फॉर्मेट में होती है, डिजिटल फॉर्मेट में, मतलब कि 1010 फॉर्मेट में ही हमारी सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होती है। इट इज़ नोन एज अ मेन मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, मतलब कि क्या, जैसे ही हमारी सिस्टम का पावर बंद होता है तो उसकी जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है वो निकल जाती है। ये मेमोरी का जो ये मेमोरी है वो हमारी सिस्टम की फर्स्ट है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी से वो फास्टर है, मतलब कि हमारी हार्ड डिस्क है या फिर SSD हार्ड डिस्क है या फिर पेन ड्राइव आती है या फिर CD DVD कुछ भी बोल लो, ये सब सेकंड मेमोरीज आता है, तो उसके लिए उसके कंपेयर में ये चीज़ थोड़ी तेज़ है। अब कंप्यूटर विथआउट अ प्राइमरी मेमोरी वर्क कभी नहीं कर पाएगा, तो ये प्राइमरी मेमोरी हुआ। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाता है सेकेंडरी मेमोरी। अब जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी कैसे आप बोल सकते हैं कि वो एक एक्सटर्नल मेमोरी भी आप ऐसे बोल सकते हैं, मतलब कि हमारी पेन ड्राइव है वो भी एक एक्सटर्नल ही है। आज के डेट में USB हार्ड डिस्क भी आप देखते हैं, इनबिल्ट हार्ड डिस्क तो आती है लेकिन USB हार्ड डिस्क भी आती है, मतलब कि सिस्टम से बाहर कुछ अगर और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपको स्टोर करवाना है तो आप स्टोर कर पाओगे। यहाँ पे वो ये भी लिखा है कि वो मेन मेमोरी से थोड़ा स्लो है, लेकिन इसमें जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो स्टोर होती है वो परमानेंट होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे लिखी है वो क्या लिखी हुआ है, CPU डायरेक्टली डज नॉट एक्सेस दिस मेमोरी, इंस्टेड दे आर एक्सेस्ड वाया इनपुट आउटपुट रूटीन्स। प्रोसेसर डायरेक्टली कभी भी सेकेंडरी मेमोरी में आके कुछ भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करता है, ऑलवेज वो कहाँ से कलेक्ट करता है, थ्रू रैम और अ कैश मेमोरी। हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है कि जो प्रोसेसर को रिक्वायर्ड डेटा होता है, प्रोसेसर को रिक्वायर्ड डेटा होता है वो सेकेंडरी मेमोरी से रीड करके प्राइमरी मेमोरी हमारा रैम में राइट करता है, वो वहाँ पे रखेगा। बाद में प्रोसेसर को इमीडिएटली जो नेक्स्ट डेटा रिक्वायर्ड होगा वो रैम में से उठा के कैश मेमोरी में रखेगा और प्रोसेसर वहाँ से इन डेटा को कलेक्ट कर लेगा। अब जैसे ही न्यू डेटा चाहिए किसी भी आगे का टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, कैश मेमोरी में से वापस वो डेटा उठा के रैम में रखेगा और वापस रैम में से थोड़ा डेटा वो कैश में रख देगा। सेकेंडरी मेमोरी में से पूरे का पूरा पहला तो डेटा वहाँ पे आ गया, मतलब कि एक सॉन्ग हो तो सॉन्ग मतलब कि 4 या 5 मिनट का जब भी होता है तो पूरी के पूरी 5 MB की फाइल या फिर 5-6 मिनट का सॉन्ग पहले क्या होगा, पूरा का पूरा रैम में स्टोर हो जाएगा। बाद में रैम टू कैश, कैश टू रैम, रैम टू कैश, कैश टू रैम, ये पूरी साइकिल चलती रहेगी हमारी जहाँ तक हम सॉन्ग को क्लोज ना कर दें या फिर वो सॉन्ग ऑटोमेटिकली ख़त्म ना हो जाए, स्टॉप ना हो जाए वहाँ तक, ठीक है। तो ऐसा कुछ उसमें वर्कआउट चलता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, दिस आर मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरीज। मैग्नेटिक मतलब के उसमें काइंड ऑफ अट्रैक्शंस होता है, मैग्नेट जैसा है, ठीक है। उसकी मदद से आप फ्लॉपी डिस्क, जब आगे हम डिस्कस करेंगे, जब हार्ड डिस्क को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे तब उसे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ ऑप्टिकल मेमोरीज मतलब के CD और DVD जिसे हम ऑप्टिकल मेमोरी, यहाँ पे अब लिखा हुआ है बैकअप मेमोरी है, मतलब कि कोई भी इन्फॉर्मेशन को हम परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं, बैकअप जैसे लेना चाहते हैं, पेन ड्राइव से हम बैकअप भी कह सकते हैं। नॉन वोलेटाइल है मतलब कि उसमें पावर सप्लाई जब चला जाता है तब उसका जो कुछ भी डेटा है वो रिमूव नहीं होता, जैसे कि पेन ड्राइव, CD, USB हार्ड डिस्क, उसे हम बोल सकते हैं। कंप्यूटर में रन विथआउट अ सेकेंडरी मेमोरी मतलब कि कंपलसरी नहीं है, स्टार्ट ही ना हो कंप्यूटर ऐसा नहीं है, सेकेंडरी मेमोरी ना हो तो। रैम अगर नहीं है, रैम खराब हो चुकी है तो हमारा कंप्यूटर है वो स्टार्ट ही नहीं होगा, बूटअप ही नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी की पूरी कहाँ पे है, ठीक है। वो सेकेंडरी मेमोरी है वो सही है, लेकिन जो हमारा बायोस है, ठीक है, जो हमारा हार्डवेयर को कंट्रोल करता है वो कहाँ पे है, वो सब हमारा जो होता है वाया प्राइमरी मेमोरी होता है, स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। तो बस इतना ही आज के वीडियोस में, आगे जाके उसके जो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के जो सब टाइप्स मैंने बताई थी, ठीक है, सबसे पहली स्लाइड में, उसका जो वापस जो क्लासिफिकेशन डिटेल में जो आता है वो आगे के वीडियोस में देखेंगे, लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।
ठीक है। और चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप कर देना, तभी आपको सभी वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और वीडियो में सब समझ आ गया है तो लाइक करना मत भूलना।